देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी का है, अच्छा है, 5.2 का होगा आई थिंक। चलिए देखिए, 18 शायद आसपास होगा कहीं। देखिए क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ इट 6 एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। सीबीएसई 2008 नीस 12 में पूछा है, एनसीईआरटी का भाई पूछता है। चलो देखो सुनो, अब इसका सॉल्यूशन ना बहुत आसान होने वाला है, बस आप अपनी नजरें गड़ाए रखें इधर किधर गल। अब देखो क्या कर लेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है बबुआ, उस गिवन को लिख लो, ठीक है? ऐसे तो मैथ्स में गिवन उवेन नहीं लिखना। चलो देख क्या बोला है, फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दे रखा है। फोर्थ टर्म और क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूं, एट टर्म दोनों का सम कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है? और क्या दे रखा है, और साथ में दे रखा है सम ऑफ 6 टर्म सम ऑफ 10 टर्म 44। और आपसे क्या बोला है, एपी का फर्स्ट थ्री टर्म पता करो। बड़ा आसान है बाबू, यूं बने गई कैसे, देखो तुमसे भी बन जाएगा। अब ना यहाँ ए दे रखा है, न टी दे रखा, डी दे रखा है, निकालोगे कैसे? तो हम लोग मान लेंगे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है? मान लेंगे कि ए और डी क्या है, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का। अब आगे कैसे बनाओगे, बहुत आसान, ध्यान से देखो बाबू क्या करना है। अब इसको थोड़ा सा प्रोसीड करो, मैंने पहले लिख के रखा था फोर्थ और एट टर्म का 24 है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 3d, ठीक है, और इसको ए प्लस 7d। आपको पता होगा घटा के लिखते हैं, आप ऐसे लिखते थे ना, क्या बोलते हैं, 7 4 लिखना है, तो क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1d लिखते हो। यहाँ पे क्या n के जगह 4 लिखना है, 4 माइनस 1d। अगला स्टेप क्या आएगा, 3 आएगा, उसी टाइप से एक घटा के लिखना रहता है, ठीक है? डायरेक्ट शॉर्टकट लिखो ज्यादा अच्छा है। अगला स्टेप ए ए देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, 2a होगा, और इधर 7 3 क्या हो जाएगा, 10d होगा, हो जाएगा। ये दोनों जोड़ दिए, ये दोनों को लाइक टर्म जोड़ दिए, और इधर कितना चल रहा था, 24। अच्छा उधर चमकेगा थोड़ा सटा के लिख दे 24, ठीक है? चलो दिख रहा है, आगे देखिए ये स्टेप को। अब आगे यहां पे 24, अगला स्टेप क्या करोगे, इसको बाद में लिखेंगे। आगे दोनों को जोड़ दे, यहां 2 2 कॉमन निकल रहा है ना, देखो तो इधर 2 कट जाएगा, सब में 2 कॉमन निकल रहा, तो हम निकालेंगे ए, ऐसे भी बनेगा थोड़ा हार्ड बनेगा, और क्या आ जाएगा 5d इधर 20। 2 से काटोगे 2 इधर इनटू उधर जब डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि ए प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 मान दे, ठीक है? आगे देखो बाबू, दिख रहा है, ब्राइटनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखिए आगे, कुछ ज्यादा कम हो गया। आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कैसे बनाओगे। इक्वेशन 2 के लिए दे रखा था टर्म 6 टर्म प्लस 10th टर्म, कितना आएगा 44, ठीक है? अब क्या करेंगे, a प्लस 5d, मैंने अभी बताया था एक सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, a प्लस 9d इक्वल टू 44।
अब फिर से देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या आ जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है जोड़ोगे तो इक्वल टू 44। अब फिर से देखो बाबू सब में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे a, इधर 7d और इधर 44, 2 इधर इंटू में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब हम लोग के पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गया है, ठीक है इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है आप यहां तक लिख लीजिए, इक्वेशन को मैं सिर्फ रहने दूंगा, बाकी को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए मैंने इरेज कर दिया उनको, अब आप वहां तक लिख लीजिएगा उसके बाद आगे का है, ये इक्वेशन सिर्फ रहने दिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना हम लोग का आंसर मिल जाएगा। कैसे, ए और डी तो मिल जाएगा भाई, ए और डी एपी में बहुत बड़ा चीज होता है, ए और डी है मतलब सब चीज है। अब ध्यान से देखो, मेरे को बड़ा लग रहा है 2, तो 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इलिमिनेशन बेस्ट होता है आपको तो पता होगा, नहीं पता होगा तो भी क्या कर लूंगा मैं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सबका क्या हो जाएगा साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस कट गया, 7 में 5 घटाओगे 2d, इधर 22 में 12 घटाओगे तो 2 2 0, 2 में 2, 2 उधर जाके डिवाइड में डी का वैल्यू 5। अब डी का वैल्यू 5 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी में भी पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, पुटिंग डी इक्वल टू 5 इन 1 या 2, 1 आसान है प्लस में करोगे ज्यादा क्योंकि नंबर छोटा छोटा है, 2 में भी कर सकते हो रख के, तो ए प्लस डी के जगह कितना लिखना है, डी के जगह 5 इक्वल टू 12। अब क्या करोगे, ए 5 5 जा 25, इधर 12, ए क्या हो जाएगा 12, प्लस में उधर जाके माइनस, कहीं चमकने वाला जगह पे तो नहीं लिख दिया मैंने, थोड़ा सा होल्ड, चलिए देखिए बढ़िया नहीं चमक रहा। अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13, तो फर्स्ट आ गया क्या हम लोग का, ए क्या आ गया 13, नहीं लग रहा है अभी इक्वेशन का कोई काम का नहीं, ए और डी आ गया, फर्स्ट 3 टर्म बोला था है ना, अब आप तो 3 क्या 4 टर्म भी निकाल लोगे, बहुत आसान, पहला तो यही हो गया। अब अगला टर्म T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 निकालने के लिए आप तो एक ये लगा सकते हो A प्लस डी, ठीक है वैसे भी कर सकते हो, या फिर A में अगला D जोड़ दो, वही तो होगा भाई A प्लस डी, A कितना आया माइनस 13, डिफरेंस आई थिंक 5 है, हटा दो कितना आ जाएगा माइनस 8, टर्म 3 बोला है तो क्या होता है A प्लस, एक कम लिखना रहता है A प्लस 2D, ठीक है 3 है तो 4, 7 रहता तो 6 लिखते, ठीक है तो a कितना आया माइनस 13, डिफरेंस कितना आया 5, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा माइनस 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाला का,